वालेकुम नाजिन, हैदराबाद टुडे न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ सैयदा साजिदाउद्दीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़। जरा जोर से बोलो ना, स्टार्ट। हेलो, बोलो दुनिया का। मोहम्मद जहांगीर मेरा बेटा है। जुम्मे के दिन सुबह में 8 बजे गया ड्यूटी को, 20 तारीख को 6:30 बजे शाम के मंडी को जाना है, लेकिन मैं पैस तरकारी को जाने वाली थी। बात करी, मैं बहुत जोर से बात करा, बच्चा मेरे से आ रहा हूँ, मैं पैसे लेके आता हूँ, तो नहीं आ शाम में पैसे लेके आ रहा क्या, बोलते नहीं 8 दिन के बाद मैं पैसे पूछना, बोलते ड्यूटी को चले गए मेरा बच्चा। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? क्या हुआ आपके बच्चे? मेरे बच्चे को मारे वहाँ पर जी, गाड़ी में खींच के मारे बच्चे को। क्या करता था आपका बच्चा? मेरा बच्चा कार ड्राइविंग था। अच्छा, पैसेंजर के साथ ले जाके तीन आदमी, हाफिज जहांगीर तनवीर जलील तनवीर, ये तीनों मिलके मेरे बच्चों को गाड़ी में से खींच के मारे। गाड़ी चलाते चलाते उनका सामने बैठे, मेरे बच्चों को पीछे बैठा, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, बल्कि उसको पीछे बिठा के शराब का बॉटल बच्चे के पास से पैसे खींच लिए, खींच के बॉटल मंगा लिए, मंगा के बॉटल पी के बच्चे को पीछे बिठा के वही बॉटल से मेरे बच्चे के सर पे मारे। सर पे मारते मेरा बच्चा बहरा हो गया, सुन ही नहीं आया, उसको बाहर खींच के पैंट उतारने लगाए, पैंट उतारने लगा, कहीं को उतारने लगा रहे, बोलते उतारो, बड़े तो उतार दिया पैंट, बच्चा बाहर खींच के दो पैरों पर पैर रख के सुला दिए। क्या कर रहे हैं भाई, गनेट कई को गनेट उठा रहा था, कई को उठा रहे हैं भाई, ये बोला तो मुंह पे डाल दिया उसके गनेट, मार दिए, मुंह कुचल दिए पूरा, ताकि उन्हें दूसरों को नहीं बोलना। बल्कि वो लोग कौन थे? जान पहचान आपके थे ना, अनजान लोग थे? मैं नहीं पहचानती उन लोगों को। ठीक है, वो लोग के ऊपर केस बुक कराए, पकड़े पुलिस वाले? पुलिस वाले पकड़े, केस बुक कराए लोगों पे। अच्छा, तो आपके ऊपर किस पे शक है माँ अभी, मतलब वो लोग ही जानबूझ के करे या फिर और किसी के ऊपर डाउट है आपको? हाँ है। या बच्चे की जाति दुश्मनी किसी के साथ थी, आजू बाजू वालों के साथ, या फिर कोई काम जहाँ पे करता था वहाँ पे? ऐसा कोई डाउट है कि आप किसी के ऊपर डाउट कर रहे हैं? नहीं। आपके ऊपर शक है क्या भाई, ये केस में कोई अगर करवाए ऐसा वैसा कुछ? बच्चे के लाश के मुताबिक देखे तो हमको 100% शक है कि बच्चे के ताल्लुकात किसी एक लड़की के साथ थे जी। और दूसरा महज जो है, जो गाड़ी का ओनर है उस पर भी हमको शक है जी। इसीलिए कि जो है मर्डर होने से पहले, 1-2 घंटे पहले जो है, जो मर्डर करने वाला है वो ओनर को फ़ोन करके बोलता है कि जो है हम किराया आपके ड्राइवर को दे दिए हैं, अब हमारे को ड्राइवर की रिस्पांस हम नहीं है। तो उस बिना पे जो है हमको थोड़ा सा शक है, वो शक के बुनियाद पर जो है हम पुलिस में दरख्वास्त दर्ज करें और उसकी वेरीफिकेशन जो है साहब लोगों पे, तेलंगाना गवर्नमेंट पे, पुलिस पे हमको उतना भी भरोसा है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे। तो करना ही करना, बस नहीं इंशाल्लाह। देखो, एक बहुत दिनों से होने वाला।